दोस्तों अनऑफिशियल व्हाट्सअप जैसे GB व्हाट्सअप, व्हाट्सअप प्लस अब बैन होते जा रहे हैं धीरे धीरे, एक एक करके सारे अकाउंट बंद किए जा रहे हैं। तो अगर आपका भी ऐसा कुछ हो गया है, अगर आपका अकाउंट भी व्हाट्सअप का बंद हो गया, तो आगे आपको चैट को चालू रखने के लिए क्या करना होगा, चलिए आज के वीडियो में थोड़ा इसी के बारे में बात करते हैं। हेलो दोस्तों, टेक्निकल फिर से सभी का बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों व्हाट्सअप की तरफ से अनऑफिशियल जो भी व्हाट्सअप थे जैसे GB व्हाट्सअप, व्हाट्सअप प्लस, तो इन सबको बैन किया जा रहा है धीरे धीरे, इनके चैट्स बंद किए जा रहे हैं। अभी तक आपका सपोर्ट बंद नहीं हुआ है, तो थोड़े दिन में शायद हो जाए। तो अगर आपका भी ये सपोर्ट बंद हो जाता है GB व्हाट्सअप, व्हाट्सअप प्लस अगर आप यूज़ करते हो, तो आपका अकाउंट अगर बैन किया जाता है, तो आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको ऑफिशियल जो व्हाट्सअप है प्ले स्टोर से जाकर आपको ऑफिशियल व्हाट्सअप को इंस्टॉल करना होगा, और इसमें जाकर आपको आपका व्हाट्सअप स्टार्ट करना होगा। अगर आपका बैन हो गया है ऐसा, तो आप अगर जो भी ऑफिशियल व्हाट्सअप है उसे ओपन करते हो उसमें जाकर, तो आपका अकाउंट वापस से चालू किया जा सकता है। वहाँ पे सपोर्ट का एक ऑप्शन दिखता है आपको बैन हो गया, तो वहाँ से आप सपोर्ट में भी हेल्प ले सकते हैं इसके लिए, तो आपका चैट वापस से चालू हो जाएगा। और आपको बता व्हाट्सएप ने बताया है कि अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो, तो आप एक बैकअप ले सकते हो अपने डेटा का। जहाँ पर आप बैकअप लेते हो, तो आपका जो भी डेटा होगा आपका GB व्हाट्सअप या व्हाट्सअप प्लस का, वो ओरिजिनल व्हाट्सअप में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये अपडेट आया है व्हाट्सअप की तरफ से। होप कि आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी। क्योंकि वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करिएगा, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लेता। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय गाइस।